हेलो गाइस, तो आज हम कलर थ्योरी का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सबसे पहले आपको कलर को डिवाइड किया था। उसमें है, फर्स्ट होता है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कलर कटर्स। जो प्राइमरी कलर होता है उसी को ही मिक्सिंग करके हम सेकेंडरी कलर बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में सारा सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो तीन हमारे प्राइमरी कलर होते हैं और तीन हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं। और इसमें कलर कटर्स भी मैंने आपको बताया था कि क्या यूज़ है उनका। तो पूरे वीडियो में मैंने आपको डिवाइड किया था कि प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। ये तीन कलर हैं। सबसे पहला बताया था रेड कलर, सेकेंड ब्लू कलर और जो थर्ड था वो येलो कलर था। अब इन तीनों की मिक्सिंग से हमने बनाया था सेकेंडरी कलर। वो सेकेंडरी कलर कौन से हैं एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रेड और ब्लू को मिक्स करके हमने बनाया था वॉयलेट, जो कि सेकेंडरी का फर्स्ट कलर है। इसे हमने वॉयलेट बनाया था और ब्लू और येलो को मिक्स किया था तो ग्रीन कलर बनाया था। और रेड और येलो को मिला के हमने बनाया था ऑरेंज कलर। तो हमारे जो सेकेंडरी कलर हैं वो तीन हैं, वॉयलेट, ग्रीन और ऑरेंज। फिर इसके बाद हमने रिवाइज़ किया था कि हमारे कलर कटर्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग होता है कलर कटर्स का। कलर्स कटर्स मीन्स अपोजिट कलर। अपोजिट कलर एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो न्यूट्रल कलर देंगे, नेचुरल हेयर कलर देंगे। तो इसलिए इनको यूज़ करने से पहले हमको ख्याल रखना होता है कि इन कलर्स को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अगर आप हेयर कलर कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, तो इन कलर को मिक्स नहीं करना है। इसके लिए मैंने ये कलर व्हील्स बताए थे आपको, जिसमें मैंने सबसे ऊपर पहले प्राइमरी कलर्स लिखे और फिर जो हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं उनको लिखा। और फिर ये बताया था कि अगर वॉयलेट और येलो को मिक्स कर दोगे तो न्यूट्रल कलर आ जाएगा, रेड और ग्रीन को मिक्स कर दोगे तो न्यूट्रल कलर आ जाता है, नेचुरल कलर आ जाता है, नेचुरल ब्लैक कलर हो जाएगा। इसलिए ये जो होते हैं मिक्सिंग, इनका क्राइटेरिया, इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इन कलर्स को मिक्स कर रहे हैं तो क्या कलर आएगा। अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं, ग्लोबल कर रहे हैं और कोई कलर आपको रिक्वायर्ड है, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि इन कलर्स को आप एक दूसरे के साथ मिक्सिंग बिल्कुल भी ना करें। आगे जो टोन आप चाहते हैं, तो ये नेचुरल कलर आता है। जैसे अब ये वीडियो में आपने पहले देख लिया है, फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा बताया हुआ है। आज हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह से कलर्स हैं और कलर कटर्स क्या होते हैं। तो गाइज़, आगे आप मेरी थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो भी मैं ये वीडियोस बना रही हूँ आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार बेसिक्स कंप्लीट समझ जाएं, ताकि आगे जब मैं कलर्स करूँ, कलर्स की वीडियोस बनाऊँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अभी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि मैम रेड पिगमेंट देना है मेरे को, फैशन शेड्स लेने हैं, किस में क्या मिक्सिंग करूं। तो मैं उन व्यूअर्स को एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी कमिंग वीडियोस का वेट करें। अभी थोड़ा सा टाइम ये भी लग जाएगा कि आपको, जैसे पता है कोरोना वायरस की वजह से हर कुछ, सब कुछ स्टॉप हो चुका है। अभी 14 अप्रैल तक मेरा सैलून भी बंद है पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा वीडियोस बनने में टाइम अब लग सकता है, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सोचते हैं, सोसाइटी सेफ़ रहे, हर एक कोई सेफ़ रहे, तो इसके लिए हम ध्यान देंगे। उसके बाद शेड कार्ड पे मैंने आपको व्हील ये दिखाया हुआ था कि इसमें कलर्स में है तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, रेड, वॉयलेट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये कलर कटर्स। आप कभी भी अगर शेड कार्ड को भी उठाएंगे तो उसमें भी ये पूरी स्टडी दी हुई होती है।
शेड कार्ड में रेशियोज़ भी दिए होते हैं कि कौन सी ट्यूब के साथ कितना, ट्यूब के साथ कितना डेवलपर यूज़ करना है, पूरी स्टडी दी होती है। लेकिन अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हो तो आप नहीं समझ पाते हो कि मैम ये क्या लिखा है शेड कार्ड के पीछे। तो इसके लिए आप एक बार बेसिक ज़रूर देखें वीडियोज़ के। और इसका हम सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको लेवल्स बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने अभी आपको, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको बेसिक्स, कलर और मिक्सिंग रेशियो वगैरह, ये सारी की सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी है। आगे मैं आपको इनके लेवल्स की स्टडीज़ आपको इस वाले वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से हम लेवल्स अचीव करते हैं और जो बेसिक्स कलर्स हैं उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप ये कंप्लीट क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास है ये मैट्रिक्स का शेड कार्ड, इसकी स्टडी मैंने आपको बताई हुई है पहले भी, और पूरा पूरा शेड कार्ड मैंने आपको स्टडी बताया। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं आपको इसकी जो लेवल्स हैं और कलर्स क्या हैं ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट बताऊंगी, क्योंकि आप ये कलर थ्योरी के पार्ट में हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने, जैसे आप ये देखेंगे तो ये लेवल्स दिए हुए हैं, ये 1 to 10 लेवल्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1 to 10 लेवल्स होते हैं कलर्स के। ये आप जब ये कलर ट्यूब खरीदेंगे तो उन पर लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लेवल के शेड्स हैं, ये बेसिक्स कलर के इनके लेवल्स हैं। और जब भी आप ये ट्यूब्स खरीदेंगे तो ये आपको इस तरह से लिखा हुआ होगा और यही कलर्स आपको मिलते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको, जैसे अब हम प्रोफेशनल है तो हमको ये लेवल्स याद होती है 1 to 10, लेकिन इसकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि 1 to 10 लिख सकते हैं सबसे पहले, आप अगर पेपर पर चाहते हैं तो हमेशा याद करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब ये मैं बात मैट्रिक्स की कर रही हूँ, तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जो इन्होंने नेम दिया है वो दिया है ब्लू ब्लैक। लेकिन अगर आप लॉरियल में जाएंगे तो लॉरियल में इन्होंने इस कलर को ब्लैक दिया है। सेकेंड इन्होंने दिया है ब्लैक, लॉरियल में 2 नंबर का नहीं है ट्यूब। थर्ड है हमारा डार्क ब्राउन, इसमें भी इनका जो 3 नंबर का है वो है डार्क ब्राउन। फोर्थ नंबर है इनका मीडियम ब्राउन। ऐसे ही लॉरियल का भी सेम है मीडियम ब्राउन। इसके बाद आता है लाइट ब्राउन, इन्होंने दिया है यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट ब्राउन दिया है इन्होंने, ब्राउन दिया है। आप अगर 5 नंबर की ट्यूब लेंगे तो उसमें ब्राउन लिखा होगा। फिर सिक्स नंबर पे इन्होंने नंबर दिया है डार्क ब्लॉन्ड, यहाँ पे भी सेम है। फिर मीडियम ब्लॉन्ड, यहाँ पे भी सेम है। फिर लाइट, यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद 9th नंबर में वेरी लाइट, वेरी लाइट ब्लॉन्ड सेम, एंड एक्स्ट्रा लाइट। यहाँ पे भी सेम है लॉरियल में। तो मैट्रिक्स और लॉरियल में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे इन्होंने ब्लैक दिया है 2 नंबर को मैट्रिक्स में, जो लॉरियल है उन्होंने 1 नंबर पे ही ब्लैक कलर दिया हुआ है और सारा कुछ सेम है। तो ये है क्या, ये हमारे लेवल्स हैं कलर्स के। और जब आप ट्यूब्स परचेस करेंगे जब भी तो उन पे ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और जब आप यूज़ करेंगे तो कौन से लेवल तक आपको कौन सा ट्यूब चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको
अगर कोई पिगमेंट डिपॉजिट करना है और आप कलर ट्यूब से करना चाहते हैं तो उसमें आप जैसे आप वेरी लाइट ब्लॉन्ड चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड चाह रहे हैं तो 10 नंबर की ट्यूब ले सकते हैं, या अगर आप नेचुरल आप वो कर टचअप ले रहे हैं तो ब्लैक ले सकते हैं, ब्लैक डार्क ब्राउन ले सकते हैं। जो हमारा इंडियन टोन होता है, जो इंडियंस हेयर्स होते हैं मोस्टली डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो इसलिए उनके लिए 3 नंबर की ट्यूब हमेशा ली जाती है टचअप के लिए। हमेशा 80% इंडियंस के जो हेयर्स होते हैं वो डार्क ब्राउन होते हैं और 3 नंबर की ट्यूब उन पे चलती है टचअप के लिए। तो ये इसकी स्टडीज़ है यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे शेड कार्ड की, तो शेड कार्ड पे आप जब जाएंगे जो नेचुरल पैलेट है उसमें आप ये देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको ये व्हील्स में भी बताया है। और ये देखिए, ये इसको नज़दीक से देखेंगे, इस टाइम तो थोड़ी सी लाइट की वो है। ये है हमारा ब्लू ब्लैक कलर, ये 1 नंबर की ट्यूब है इनकी और इन्होंने इसका नाम दिया है ब्लू ब्लैक। और ये पिगमेंट में हल्का सा ब्लू का जो होता है रिफ्लेक्शन, जो आप ब्लैक कलर में ब्लू कलर का एक रिफ्लेक्शन चाहते हैं वो इस कलर में है 1 नंबर में। और जो इनका ये 2 नंबर का, ये टोटली ब्लैक कलर है जैसा आप ये देख रहे हैं। ये देखिए पूरी तरीके से ये ब्लैक है। 3 नंबर में मैंने बताया है डार्क ब्राउन इंडियन टोन, ये 3 नंबर का है। फिर इनका ये ब्राउन शेड हो गया, फिर ये लाइट ब्राउन हो गया। तो इस तरह से ये नेचुरल पैलेट के जो इनका नेचुरल पैलेट है वो इस तरह से इनका ये शेड कार्ड है। तो इसके लिए आपको ये व्हील को लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके कौन से कलर कैसे हैं और किस ट्यूब पे कौन से नंबर्स होंगे। तो ये इनका लेवल्स हैं, इसकी स्टडीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आगे मैं आपको हाइलाइट्स और उनके क्राइटेरिया भी कंप्लीट करूंगी, तो आप मेरी अपकमिंग वीडियोस भी देखिए उसमें। और कलर कैसे मिक्सिंग करना है, क्या रेशियो है डेवलपर के साथ, ये मैंने पहले ही वीडियोस वैसे बना दिया है। डेवलपर कैसे यूज़ करना है, किस टाइप के कलर्स के लिए, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और आगे अब इस बेसिक्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी, तो उसकी स्टडीज़ आप करते रहिए और सबसे पहले कलर थ्योरी समझ जाइए। और अपकमिंग जो मेरी कलर की वीडियोज़ आएंगी आप वो ज़रूर देख। तो आप जब ये कलर ट्यूब देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या नंबर पर क्या है, तो आप जो ये देखें, नंबर 1 नंबर की ट्यूब है ये है, और ये लॉरियल माजरेल है और ये ब्लैक कलर लिखा है। देखिए लॉरियल का जो 1 नंबर है वो ब्लैक कलर है। ऐसे लॉरियल का अगर मैं आपको दूसरी ट्यूब दिखाऊंगी तो अगर 4 नंबर पे आप जाएंगे, ये देखिए, तो 4 नंबर के जो ट्यूब पे लिखा है वो ब्राउन कलर है, ये देखिए। तो इस तरह से आप ये ट्यूब्स को पहचान सकते हैं। और अगर आपको नंबर्स याद हैं तो आप आसानी से इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और लेवल ऑफ लिफ्टिंग अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लेवल्स याद है तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कलर मिक्सिंग आराम से कर सकते हैं। देखिए अब 3 नंबर के ट्यूब पे लिखा है डार्क ब्राउन, तो इस तरह से आप ये इनको कर सकते हैं। और आगे मैं आपको इनका मिक्सिंग रेशियो और डेवलपर के साथ कैसे यूज़ करना है सारा का सारा क्राइटेरिया बताऊंगी। जब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।